राष्ट्र की तरफ से संजय की याद में तिरंगा उनके परिवार को दिया जा रहा। जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में नैनीताल के रातीघाट के हरी गांव निवासी संजय बिष्ट शहीद हो गए थे। आज दोपहर लगभग 2:30 बजे उनका पार्थिव शरीर राजौरी से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हेलीकॉप्टर से पहुंचा। शहीद के शव पहुंचते ही लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा संजय तेरा नाम रहेगा और भारत माता की जय के नारों के साथ ही शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद रानीखेत केआरसी के सैन्य अधिकारी शहीद का पार्थिव शरीर लेकर रातीघाट के लिए रवाना हो गए। रातीघाट के चित्रशिला घाट पर शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही शहीद लांस नायक संजय बिष्ट का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजन ताबूत से लिपटकर बिलख पड़े। एक और जहां अपने जिगर के टुकड़े को याद कर उनकी माँ मंजू देवी बेटे का नाम ले लेकर बेसुध हो रही है, वहीं दूसरी ओर अपने जवान बेटे को याद कर उनके पिता देवेंद्र सिंह बिष्ट की आंखें भी नम हो गई। शहीद के बड़े भाई नीरज बिष्ट, बड़ी बहन विनीता और छोटी बहन ममता का भी रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई वसंत वैली स्कूल नैनीताल से करने वाले संजय ने 6 से 12 तक की पढ़ाई रातीघाट इंटर कॉलेज से की थी, जिसके बाद वह रानीखेत से 19 कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद 3 साल सियाचिन में अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद पीटी कोर्स और कठिन ट्रेनिंग के बाद उनका चयन पैरा कमांडो में हो गया था। वर्तमान में वह जम्मू कश्मीर के उधमपुर 9 पैरा बटालियन में तैनात थे। वह 1 माह पूर्व अपने दादा के निधन पर घर आए थे और बीते 4 नवंबर को ही छुट्टियां खत्म कर उन्होंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।